आज हम बनाएंगे सेहत से भरपूर गाजर की पूरी। इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी पूरी सॉफ्ट, नरम और फुल्का फुल्का बनेगी। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पे एक गाजर को कट कर लिए हैं, मिक्सी के जार में डालेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, कवर लगा के गाजर का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे गाजर का पेस्ट तैयार कर लिए हैं इस तरह से। अब हम इसको साइड में रख देंगे और यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें डालेंगे मेजरिंग कप से 2 कप गेहूँ का आटा। पूरी को और भी चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद के हिसाब से। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथ से रगड़ लेंगे। अजवाइन देने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है, साथ ही पाचन का भी काम करता है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे तेल। अब सारे सूखे मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लेंगे। सूखे मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लिए हैं, अब इसमें डालेंगे गाजर का पेस्ट। तो यहाँ पे एक बार में सब नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। तो गेहूँ के आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार कर लिया है, इसको 10 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद कवर हटा के थोड़ा सा मसल लेंगे 2-3 सेकेंड। आप चाहे तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा भी सकते हैं। अब हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे चकला में तेल ब्रश कर लेंगे। आटा में भी थोड़ा तेल लगा लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे चकला के बराबर साइज में रोटी को बेल लेंगे। तो यहाँ पे गिलास की सहायता से कट कर लेंगे, तो ये बहुत ही इजीली कट हो जाती है और बराबर साइज आ जाती है, देखने में भी सुंदर लगता है। अब इसको निकाल लेंगे इस तरह से। अगर आपके बच्चे, हस्बैंड स्कूल, ऑफिस जाते हैं तो इस तरह का टिफ़िन बना के आप टिफ़िन में पैक भी कर सकते हैं। हेल्दी के साथ साथ टेस्ट भी लगते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से सब बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही पूरी को छक लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना सुंदर फूल के ऊपर आ गया है। अब पूरी को पलट देंगे, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे और एक पूरी डाल देंगे और फुला हुआ पूरी को निकाल लेंगे। इसी तरह से सब पूरी को बना के तैयार कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरह से बहुत ही आसान तरीके रेसिपी आपके सामने पेश करती हूँ। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो पर।